खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंच चुका और पहलवान योगेश्वर दत्त जो बड़ौदा से भाजपा के प्रत्याशी, उन्होंने पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक रखी। आज वो कथुरा गांव में डोर टू डोर कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद भी है। पहलवान जी, अंतिम दौर में पहुंच गए तो क्या उम्मीद है? देखिए, लोगों का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद, स्नेह और प्यार मिल रहा है और लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा ताकत झोंक रखी है। जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, संगठन के हैं और मेरे चाहने वाले हैं, मेरे गांव के हैं, जितने बड़ौदा के लोग, सभी बड़े बड़े युवा साथी, सब ने बहुत ताकत लगा रखी और बहुत ज़्यादा मतों से इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा का विजय होगी। अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल आपके लिए वोट की अपील करके गए थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोट की अपील करने जनता के पास आ रहे हैं, तो क्या किस तरह के समीकरण है? देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे मोहाना में और माहौल तो बहुत अच्छा भी बना हुआ है, पर मुझे लगता है कि हरियाणा में जो 75 पार का नारा है, 75 से 85 होगा। जो दूसरी पार्टियां हैं जो आपके विपक्ष में चुनाव लड़ रही है, वो एक आरोप बार बार लगा रही है कि मोदी खुद वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, भाजपा की स्थिति क्षेत्र में कमजोर है। अरे नेता हो तो कहीं तो जाएंगे, ये भी क्यों मांग रहे हैं? वोट तो सब मांगते हैं, ये कोई बात थोड़ी है, बस एक मुद्दा चाहिए। चलो जी, बात की जाए गरीब की और मजदूर की, तो गरीब मजदूर के लिए आपको मौका मिलता तो किस तरह की योजना है? जो भी गांव की समस्या उनको दम दूर करेंगे, बिजली पानी की हो, शिक्षा की हो, खेल की हो। ये थे हमारे साथ पहलवान योगेश्वर दत्त, जो कह रहे हैं कि भाजपा की स्थिति काफी मजबूत है। केएनएन मीडिया के लिए अरुण धोन की रिपोर्ट।